نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين پڑھ لیجیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين پڑھ لیجیے صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ آپ آئیں تو میرے میں اجالا ہوگا آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ازالا ہوگا خاک سورج سے اندھیروں کا ازالا اور عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں عشق سرکار
की एक शम्मा जला लो दिल में बाज मरने के लहद में भी उजाला होगा बाद मरने के लहद में भी उजाला आप आए तो मेरे घर और जब भी मांगो तो वसीले से उन्हीं के मांगो जब भी मांगो तो वसीले से उन्हीं के मांगो इस वसीले से करम और दुबाला होगा इस वसीले से करम और दुबाला और हश्र में उसको भी सीने से लगाएंगे हुजूर हश्र में उसको भी सीने से लगाएंगे हुजूर जिस गुनाहगार को हर कहने टाला हो मिलके पढ़िए आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु व अमनवालुहु आदम शानहु की हम्द व सना और हुजूर सरवरे कायनात फखरे मौजूदात जीनते बज़्मे कायनात सैयद सरवरा हामिये बेकसाम सैयदुल मुरसलीन खातिमुन नबियीन रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम आपकी बारगाह अक्दस में आजजाना गुलामाना मोहब्बतन हाजिरी पेश करने के बाद मिलाद पाक दरअसल हुजूर की विलादत बासआदत पर इजहार तशक्कुर मुसर्रत का नाम है कि आज की अगर ये महफिल हमने मिलाद शरीफ की सजाई है और पूरे इस माह मुकद्दस में सजाई जाती रहती हैं और जिस दिन 12 रबीउल नूर शरीफ होगी तो हुजूर की आमद की खुशी में अजीम शान जुलूस का अहतमाम होगा और महफिल नात भी होगी हुजूर की मुर्शिदे करीम के कदम में बैठ के आप उनकी बातें भी सुनेंगे। ये जिक्र मिलाद जो है ये दरअसल दरअसल हुजूर की विलादत बासआदत पे इजहार तशक्कुर मुसर्रत का नाम है। तशक्कुर मुसर्रत क्या जरा सुनिएगा। एक तो हम इन महाफिल में अल्लाह सुभाना व तआला का शुक्र अदा करते हैं। मिलाद पाक की महफिल सजाना जिक्र मिलाद करना है क्या? एक तो हम अल्लाह सुबहाना व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि मौला तेरा करोड़ हा शुक्र है करोड़ हा शुक्र अजीम
कि तूने हमें इतने करीम आका अता फरमाए, इतने करीम आका। आपको मालूम है, आप जानते हैं, अहले इल्म तशरीफ फरमा है कि गुज़िश्ता जितनी भी उम्मतें साबिका गुजरी हैं, जब कोई नाफरमानी का सबब हो जाता और नाफरमानी कर बैठती तो वो एक बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता। नाफरमानी कर बैठती, अल्लाह को नहीं मानती, अल्लाह के नबी की बात को तस्लीम नहीं करती, तो उस वक्त आलम ये होता कि फौरन अजाब के मुस्तहिक होते और अजाब नाजिल हो जाता। आज हमारे मुआशरे में कौन सी बुराई है जो मौजूद नहीं? आप जानते हैं हमारे मुआशरे में कौन सी ऐसी बुराई है जो मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी हम बचे बैठे हैं? क्यों? हुजूर की रहमत का सदका। अगर पहली उम्मतों वाला हाल होता तो ये नौबत ही ना आती कि हम बड़े बड़े चोरी चकारी कतरों गानत और एक दूसरे पर तोहमतबाजी, एक दूसरे के खिलाफ गीबत, प्लान बनाना और दीगर जो बदअमालियां हैं, उनमें कौन सी ऐसी बुराई है जो मौजूद नहीं? लोग मशगूल रहते हैं लेकिन फिर भी बचे हुए हैं, क्योंकि उनकी रहमत का सदका। जितने नबी आए वो भी शानों वाले हैं, लेकिन जब हुजूर आए तो अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब, आप वो नबी हैं, कि पहले नबी आए, पहले भी रसूल आए, ये शानें उनको नहीं मिली। वो आपकी नबूवत का सदका उनको नबूवतें मिली है, आपकी नबूवत के सदके से आपके इस्तकबाल के लिए भेजा है। पहले भी नबी आए हैं, ये शान नहीं मिली है। ए महबूब, अब आपको भेज रहा हूँ तो इस शान से भेज रहा हूँ कि आप जहानों के लिए रहमत बन के जा रहे हैं। ये हुजूर की शान है, तो मिलाद शरीफ दरअसल हुजूर की विलादत बासादत पे शुक्र अदा किया। 12 रबीउल अव्वल शरीफ करीब है और मिलाद का वक्त नहीं होता कि जिक्र मिलाद आप पूरा साल कभी भी बैठ के कर सकते हैं। मखसूस नहीं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ नहीं, जहां पे हुजूर के दीवाने इकट्ठे होते हैं आगाज हुजूर की मिलाद से ही करते हैं, जिक्र मिलाद से ही करते हैं, ये जरूरी। लेकिन मखसूस चूंकि आपको दिन हमें नसीब होने वाला है, अगले साल हम हो ना हो क्या पता, अभी फिर भी दो दिन मौजूद हैं, दो दिनों में कोई अल्लाह को प्यारा हो जाए क्या पता। इसलिए दुआ करें कि वो दिन हमें खुशियों वाला नसीब हो जिस दिन मेरे करीम आका का जहूर हुआ और आप लिबास बशरियत में इस दुनिया में तशरीफ में। नूर अजल से है, नूर पहले से है, हम गरीबों के लिबास बशरियत पहनकर आप तशरीफ लेकर आए। अब मिलाद शरीफ ये है कि मिलाद की महफिलों में हम क्या करते हैं कि ऐसा नहीं कि कोई नया काम हमने निकाल लिया, बल्कि मिलाद शरीफ ये है कि हुजूर की विलादत बासादत के तज़करे करना। अल्लाह आपको जब औलादों से नवाजता है, बेटा हो बेटी हो, आप तज़करा नहीं करते उसका किसी से? करते हैं, रिश्तेदारों को फोन करेंगे, अजीजों को फोन करेंगे, खुशी का इजहार करेंगे, फिर बुलाएंगे, फिर अकीका होगा, महफिल होगी, उस खुशी में सब को शरीक करते हैं। तो एक आपको अल्लाह ने औलाद अता फरमाई तो आप उसकी आमद की खुशी करते हैं, और हर साल जब उसकी सालगिरह का दिन आता है फिर खुशी करते हैं। तो जिनके सदके से ये औलादें अल्लाह ने हमें अता फरमाई वो आए तो हम खुशी क्यों ना मनाएं। एक सादी सी बात है, कोई ऐसी बात नहीं कि जिसमें उलझन में पड़ जाया जाए, ये एक सादी सी बात है। तो हुजूर की सूरत और सीरत के तज़करे करना, हुजूर की अहले बैत अतहार और अजवाज मुतहरात के तज़करे करना, हुजूर के सहाबा और सहाबियात के तज़करे करना, बिलखसूस हुजूर की तशरीफ आवरी के तज़करे करना, ये महफिल मिलाद का ये पैटर्न होता है, ये तरीका का। तो ये तो वो जिक्र है, मैंने पिछले जुमातुल बारी को अर्ज किया था आखिर में कि मैं आपको सुनाऊंगा कि जो जिक्र मिलाद अल्लाह सुबहान व तआला ने फरमाया, मैं आपको सुनाऊंगा जो जिक्र मिलाद हुजूर के घर वालों ने फरमाया।
میں آپ کو سناؤں گا جو ذکر میلاد خود حضور نے ارشاد فرمایا قرآن دلیل بنا یہ ذکر میلاد ہے. تو اگر میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ذکر میلاد کرنا یہ اللہ کی سنت ہے, ذکر میلاد کرنا حضور کی سنت ہے, ذکر میلاد کرنا حضور کی اہل بیت اطہار و صحابہ و صحابیات کی سنت ہے, اولیاء کاملین اور آئمہ دین کی سنت ہے. کوئی نیا کام نہیں کر رہے ہم, ان پیاروں کی سنت ادا کر رہے. تو جو میں نے آیت کریمہ قرآن مجید فرقان حمید سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا سورہ پاک, آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان پاک کو بیان کر رہے ہیں. یہ وہ ذکر ہے, یہ وہ ذکر ہے جو اللہ سونے نے کیا اپنے محبوب کی محبت میں. دیکھیں دیکھیں حضور آئے, حضور آئے تو ہم آنے کی خوشیاں منا رہے ہیں, ایسے ہی ہے نا. حضور آئے تو ہم آنے کی خوشیاں منا رہے ہیں, اللہ نے بھیجا اللہ بھیجنے کی خوشیاں منا رہا ہے, اللہ نے بھیجنے کی خوشی منائی, یہ ذکر میلاد ہے. ہم آنے کی خوشی مناتے ہیں یہ ذکر میلاد ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں, لا اقسم بهذا البلد, محبوب قسم ہے اس شہر مکہ کی, اے محبوب جس میں آپ تشریف فرما ہیں. یہاں پر ایک نقطہ سنیے, ایک قسم جو آپ کسی کی نفرت میں کھاتے ہیں کہ مجھے یہ قسم ہے کہ میں اس کو فلاں کو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, کوئی دشمنی کا سبب ہو تو کر. اس آیت میں آپ کو نفرت لگ رہی ہے یا محبت لگ رہی ہے؟ اور محبت کے اندر قسم اٹھانا یہ کوئی سادی بات ہے, کوئی عام بات ہے؟ مجھے بتائیں, کوئی عام شخص کسی کی محبت میں قسم اٹھا دے کہ مجھے اس چیز کی قسم ہے اے میرے محبوب آپ یہاں پر تشریف فرما ہے, یا آپ کی قمیض کی قسم ہے, آپ کے جبے کی قسم ہے, کوئی اپنے مرشد سے اس کا اظہار کرے محبت کا, تو اس کی محبت کا اظہار دیکھ کر دیکھنے والا کہے گا بھائی کتنا عاشق بات ہے یا نہیں ہے. تو آیت میں محبت کا اظہار, اور صرف محبت نہیں اللہ اس محبت میں محبوب کی تشریف فرما جگہ کی قسم اٹھا رہا ہے کہ جس مٹی پہ حضور کے قدمین شریفین لگے, جس مٹی نے حضور کے قدموں کو بوسا دیا, اللہ اس مٹی کی قسم اٹھا رہا ہے. یہ ذکر میلاد نہیں پھر اور کیا ہے؟ یعنی حضور کے حضور کی آنے کا اور حضور کو شہر میں موجود ہونے کا اللہ کو اتنی خوشی ہے, اللہ کو اتنی خوشی ہے کہ اللہ اس شہر کی قسم اٹھا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد, محبوب جس شہر میں آپ تشریف فرمائے اس کی میں قسمیں اٹھا رہا ہوں, ذکر میلاد نہیں پھر اور کیا ہے. میں نے آیت پڑھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اب میں نے شروع میں جملہ کر دیا تھا ابھی آیات کی تلاوت سے پہلے کہ ہم آنے کی خوشیاں منا رہے ہیں, سونا رب بھیجنے کی خوشیاں منا رہا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا, محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ بھیج دینے کا ذکر کرنا, یہ بھیج دینے کا ذکر کرنا, یہ ذکر میلاد نہیں پھر اور کیا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, محبوب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آئے آگے چلیں, قرآن ایک سمندر ہے, چند موتی نکاح کل آپ کو سنا رہا ہوں. قرآن فرماتا ہے یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اب یہاں پر یہ جو چند باتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں اور ابھی سنا رہا ہوں, یہ وہ ذکر میلاد ہے جو میں نے اور آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے.
ताकि शक ना रह जाए कि मिलाद मनाना जायज है या ना जायज है, शक ना रह जाए। जो काम अल्लाह सुभाना व ताला ने फरमाया कोई शक रह सकता है उसमें? फरमाया ऐ गैब की खबरें देने वाले नबी, हमने आपको भेजा। अब ये भेजने का जिक्र, ये जिक्र मिलाद है। हमने आपको भेजा हाजिर व नाजिर, खुशखबरी देता और डर सुनाता। अच्छा यहाँ पर एक ये भी नुक्ता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हमने आपको भेजा। महबूब जिस शहर में आप तशरीफ फरमा उस शहर की कसमें उठाई, ये नहीं फरमाया जिस शहर में आप पैदा हुए उसकी कसम, तशरीफ फरमा होने की कसम उठाई, ठीक। फिर फरमाया कि रहमतल लिल आलमीन, आपको जहानों के लिए आलमीन बनाकर भेजा। ये नहीं फरमाया कि पैदा किया या बनाया। अगली आयत या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदाउ व मुबशिरन व नज़ीरा, फरमाया कि हमने आपको ऐ गैब की खबरें देने वाले नबी, हमने आपको भेजा ना के पैदा किया ना के बनाया। फरमाया हमने आपको भेजा, आप हाजिर और नाजिर, आप खुशखबरी देते, आप डर सुनाते, हमने आपको भेजा। तो भेजी वो चीज जाती है जो पहले से कहीं मौजूद होती है। ये अकीदा रखना कि हुजूर की नबूवत 40 साल की उम्र में, ये अकीदा ठीक नहीं है। हुजूर तब भी नबी मौजूद थे जब आदम न थे, अर्श बनाया जाना था तो अर्श के पायों को सजाया गया, फरिश्तों को कहा सजाओ लिखो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल, कोई मौजूद नहीं था, कायनात नहीं थी, कुछ नहीं था। आगाज हुआ तो हुजूर का नाम दर्ज हुआ दुनिया का। यहाँ पर ये बातें समझने वाली है जो कहते हैं 40 साल की उम्र, नहीं 40 साल की वो उम्र के ऐलान नबूवत, ये ऐलान नबूवत की ऐलान, जब जी चाहे जब हुक्म रब्बी हो तब करना। नबी तब से है जब आदम मौजूद ना थे, नबी तब से है जब आदम मौजूद ना थे। नबी कब से है मैं आपको सुनाता हूँ, एक छोटी सी ये रवायत है, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि नबी कब से है, हुजूर का नूर कब से मौजूद है। जितनी भी आयात हमने आपको भेजा, आपको भेजा, आपको भेजा, यानी फरमाया पैदा किया, भेजी वो चीज जाती जो कहीं मौजूद है। मेरे पास कोई यहाँ पर चीज हो, मैं कहूँ वो साहिब जो दरवाजे पे खड़े उनको दे आओ, वो साहब को नहीं पता होगा, मैंने वो देने वाले से पूछेंगे भाई किसने भेजी है, आप कहेंगे सरकार ने भेजी है, ऐसे ही है ना। तो मालूम हुआ कि ना वो चीज बनाई गई ना उसकी कोई तश्कील के लिए मैंने कोई ऐसा काम किया कि मैं इसको बना दूं या कोई फैक्ट्री लगा दी या कोई ऐसा आला है, नहीं भेजी है चीज, बनी हुई थी यहाँ से उठाकर भेज दी मैंने। पूछने वाला कह रहा है किसने भेजी, आपने कहा सरकार ने भेजी है। तो मालूम हुआ अल्लाह ने फरमाया कि हमने रसूल भेजे ना कि पैदा किए ना कि बनाए। तो मालूम ये हुआ कि बनाए पहले थे, नूर पहले मौजूद था, बनाए पहले थे। जब हम गुलाम गुलाम इस तारीकी में डूब गए कि गफलत हो गई, लोग गुनाहों की तरफ चले गए और तमाम नबी जीन आ गए, तो उसके बाद फिर आखिरी नबी हमारे दरमियान अल्लाह ने भेज दिए और हम पे करम फरमा दिए। तो हुजूर कब से मौजूद है? देखिए आयात बहुत सारी है, वक्त इतना नहीं, इंशाल्लाह इस माह मुकद्दस में तज़किरा में जारी रखूंगा, आगे से आगे लेकर चलूंगा। अभी सिर्फ ये वो बातें हैं जो अल्लाह सुभाना व तआला ने अपने महबूब का मिलाद मनाया। अब देखिए खुशी है तो अल्लाह उस मिट्टी की कसमें उठा रहा है, हुजूर के आने की खुशी है तो मिट्टी की कसमें उठा रहा है, हुजूर को भेजने की खुशी है तो फरमा रहे कि जहानों के लिए मेरे महबूब रहमत बन गया, खुशी है। फिर खुशी है तो फरमाना है गैब की खबरें देने वाले, हमने आपको भेजा, आप हाजिर व नाज़िर, आप खुशखबरी देते हैं और डर सुनाते हैं, अल्लाह की तरफ रागिब करते लोगों को डराते हैं, कहीं अजाब ना हो जाए, नेकी की तबलीग करते हैं, नेकी की तरफ लाते हैं, इस्लाम का प्रचार करते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में आते हैं, हुजूर पूछते हैं जिब्राइल बताओ ना तुम्हारी उम्र कितनी है। अब जिब्राइल कौन है?
जिब्राइल वो है जो नूरियों के बादशाह, कौन है नूरियों के बादशाह, तमाम मलाइका उरान जन्नत गिलमान रिजवान तमाम के सरदार कौन है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम। वो जिब्राइल के खुद नूर है। यहाँ पे नूर और बशर के झगड़े, मुकाम सिदरतुल मुंतहा, या रसूल अल्लाह अब आगे नहीं जा सकता, कहा बस नूरियों के बादशाह की जहां पर इंतहा, इश्क के सफर की अभी वहां से इब्तिदा हुई थी। तो हुजूर की शान क्या हो, हुजूर की शान क्या हो, ऐ जिब्राइल बताओ ना तुम्हारी उम्र कितनी है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, हुजूर मालूम तो नहीं, अंदाजा लगा सकता हूँ, चौथे हिजाब में एक सितारा 70,000 साल में एक मर्तबा चमकता है। हुजूर मैंने उस सितारे का 72,000 मर्तबा दीदार किया। अब ये मामला अर्ज कर दिया, अब आप खुद देखें 70,000 साल में एक सितारा एक मर्तबा, कितनी मर्तबा, एक मर्तबा चमके नजर आए, और 72,000 मर्तबा देखा जाए तो इसकी कैलकुलेशन करें ये अदद कहां तक जाएगा, हम सोच भी नहीं सकते कि जिब्राइल की उम्र कितनी है। ये जिब्राइल अपनी उम्र बता रहे हैं कि मैंने ये सितारा देखता हूँ हुजूर, मैंने इतनी मर्तबा देखा है। तो जब ये बात अर्ज कर चुके हुजूर ने तबस्सुम फरमाया, हुजूर मुस्कुराए और अपनी पेशानी पाक से हल्का सा अमामा हटाया, एक नूर चमका, एक रोशनी निकली। आपने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्राइल अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम है, यहाँ पर देखो जो सितारा तुम देखा करते थे वो मैं मोहम्मद मुस्तफा हूँ। अब समझिएगा कि हुजूर कब से मौजूद है। तो अल्लाह ने फिर ठीक फरमाया, कोई शक नहीं, हक फरमाया कि हमने रसूल भेजा है, ना कि पैदा किया, बनाया कब था अंदाजा कर सकते हैं, मुकम्मल तौर पे इसका अदद नहीं निकाल सकते हैं। अच्छा यहाँ पे ये नुक्ता है, चलें उस सितारे का दीदार हो गया, जिब्राइल ने अपनी उम्र बताई थी या सितारे की, अपनी उम्र बताई, क्या पता वो जिब्राइल से पहले वो सितारा कब से चमक रहा है, जिब्राइल भी नहीं जानते हैं। जिब्राइल ने अपनी उम्र बताई है, सितारे की नहीं, क्या मालूम वो सितारा कब से। और हुजूर ने फरमाया वो सितारा मैं हूँ, उस वक्त भी हुजूर की चमक मौजूद है, आज भी आला हज़रत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने, चमक सारे रल के पुड़ो पाने वाले मेरा दिल भी चमकते, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जा, मेरी। हुजूर उस वक्त भी मौजूद, जब जिब्राइल ने अपनी उम्र बताई कि सितारा कब से चमक रहा है, क्या मालूम वो सितारा जिब्राइल से पहले कब से चमक रहा, या सोना रब जानता है या रब के हबीब जानते हैं। हुजूर उस वक्त भी मौजूद जब अर्श की तख्लीक की जा रही, अर्श को सजाया जा रहा, उस वक्त भी नाम मुस्तफा लिखा गया हुजूर की मौजूदगी पर दलील। हुजूर उस वक्त भी मौजूद जब आदम अलैहि सलाम ने आंख खोली, अर्श के पायों पे हुजूर का नाम पड़ा, हुजूर आज भी मौजूद है और हमेशा हुजूर ने मौजूद रहना है, हुजूर ने मौजूद रहना है, आज भी उसी नूर का सदका हम बचे बैठे और ये रंग देख रहे हैं, कल को उसी नूर का सदका कब्र में भी बचत हो जाएगी, हशर में उन्हीं के काफिले में दाखिल होके जन्नत में चले जाए। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला, मेरी चश्मे आलम से
छुप जाने वा। फरमाया ला उक्सिमु बिहादल बलद, कसम है शहर मक्का की महबूब जिसमें आप तशरीफ फरमा है, वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, महबूब जहानों के लिए रहमत बनाकर आपको हमने भेजा है। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबशिरन व नज़ीरा, ऐ गैब की खबरें देने वाले नबी हमने आपको भेजा है, आप खुशखबरी देते हाजिर व नाज़िर डर सुनाते हैं। आओ मोमिनो, आखिरी बात करके मैं खिताब को खत्म कर रहा हूँ कि अल्लाह फरमाता है लकद मनल्लाहु अलल मुमिनीन इज बाथ फीहिम रसूला। फरमाया ये आखिरी बात है, बाकी का इंशाल्लाह जो उसका हिस्सा अगले जुम्मे में इंशाल्लाह जिंदगी रही साथ रहा तो इंशाल्लाह जरूर बयान करूंगा। अभी ये सिर्फ मैंने 3-4 आयतें आपको सुनाई और वक्त खत्म हो गया है। फरमाया कि लकद मनल्लाहु अलल मुमिनीन इज बअथ फीहिम रसूला, मोमिनों पर इस बात में कोई शक नहीं, तहकीक मोमिनों पर अल्लाह ने बड़ा एहसान किया, बड़ा एहसान किया, समझे इस बात को, बड़ा एहसान किया कि उनमें अपना रसूल भेजा। आपको अल्लाह ने दुनिया की कितनी नेमतें अता फरमाई, अपना जिस्म देखे, ये हाथ नेमत है अल्लाह की, जिनके पास हाथ नहीं उनसे पूछो हाथों की कदर क्या है, ये टांगे ये पांव आप चल सकते हैं, अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, जो पांव से माजूर है उनसे पूछो कि पांव की कदर क्या है, टांगों की कदर क्या है, जो आंखें हैं आपकी कितनी अल्लाह ने इसमें नूर डाला, रोशनी पैदा की, आप आसमानों को देखते हैं, आप सितारों को देखते हैं, चांद नजर आता है, सूरज नजर आता है, कितनी मीलों की मुसाफत तय करके ये निगाह आपको देखने की कुव्वत अता करती है। जो देख नहीं सकते उनसे पूछो आंखों की कदर क्या है, कान है, अभी मैं बयान कर रहा हूँ आप सुन रहे हैं, कोई सुनने वाला ना हो यहाँ पर बैठा हो उसके दिल में क्या बात आएगी कि ये बयान हो रहा है प्यारा मिलाद का मौका और मैं सुन नहीं पा रहा। कानों की कदर उससे पूछो, कुव्वत समाज की कदर उससे पूछो, कुव्वत बसारत की कदर जो देख नहीं सकता उससे पूछो, जुबान मैं बोल रहा हूँ जो जी चाह रहा है बोल रहा हूँ, जो बोल नहीं सकते बोलने की कदर उनसे पूछो। एक एक चीज अल्लाह ने हमें नेमत अता फरमाई, अपने जिस्म को देख ले, उससे हटकर ये दुनिया बना डाली, दीन और दुनिया की दौलत से आपको नवाजा, हर तरह का खाना फसलें फल मेवे पानी आपको अता फरमाया, कितनी नेमतें हैं, कितनी नेमतें हैं, लेकिन किसी नेमत पे ये नहीं फरमाया कि मोमिन मैंने तेरे पे बड़ा एहसान किया कि तुझे आंख दी। सुन समझिएगा बात को कि ये जो आए हैं अल्लाह फरमा रहे कि ये जो आए हैं जिनकी आमद की खुशियां मना रहे हो कोई ये समझ ना बैठे कि कोई आम आए हैं। दुनिया की हर नेमत दी ये नहीं जतलाया कि मैंने तुम पर एहसान किया कि तुम्हें हाथ दिए, तुम पर एहसान किया कि तुम्हें पांव दिए, तुम पर एहसान किया कि पानी दिया, तुम पर एहसान किया कि फल दिए, तुम पर एहसान किया कि फसलें दी, नहीं। लेकिन जब हुजूर आए तो अल्लाह ने फरमाया मोमिनो दुनिया की हर नेमत दी कभी ये नहीं जतलाया, आज जतला रहा हूँ कि तुम पर एहसान किया कि तुम्हारे दरमियान अपना रसूल भेजा, ताकि मोमिन समझ जाए कि जो आए हैं कोई आम नहीं आए। अगर इनकी नेमतों पे अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया, हुजूर के आने पे एहसान जतलाया क्यों? ताकि मालूम हो जाए ये सब नेमतें हुजूर की आमद का सदका है, हुजूर के नूर का सदका है। ये बस चंद बातें मैंने अर्ज की और बड़े इख्तसार इनमें ऐसी आयात की इनकी तफसील में इंसान चला जाए तो कई घंटे दरकार, बड़ी मुख्तसर मुख्तसर सिर्फ आपको कुरान और उसका तर्जमा और चंद इख्तसार के साथ बातें तशरीह की सूरत में मैंने अर्ज की। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। सिर्फ ये याद रखें कि मिलाद का जिक्र करना ये अल्लाह की सुन्नत है और कुरान साबित है।